दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल मार्शल आर्ट कराटे प्रतियोगिता में मथुरा के खिलाड़ियों ने 13 गोल्ड मेडल के साथ सभी को प्रभावित किया। 3 दिनों तक चलने वाले नेशनल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के साथ विभिन्न राज्यों की टीमों ने भाग लिया। मथुरा की लड़कियों के बीच मार्शल आर्ट्स की लोकप्रियता ने सभी को प्रभावित किया, क्योंकि 11 लड़कियों और 2 लड़कों ने कोच विकास शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया। खिलाड़ियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि वे इस तरह से खेलना जारी रखेंगे और भविष्य में देश के लिए खेलने की इच्छा व्यक्त की। एक ऐसी ही खिलाड़ी काजल गौतम ने कहा कि मार्शल आर्ट खेल के साथ साथ लड़कियों के लिए आत्मरक्षा का एक बेहतर तरीका है। उन्होंने सभी लड़कियों से मार्शल आर्ट सीखने का अनुरोध किया। इसके लिए ये हमारे लिए सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा है और फैमिली वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये बेस्ट है लड़कियों के लिए, सबको करना चाहिए। इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसका टारगेट है, उसमें गोल्ड लेके आने का तो लगता था, पर अब नहीं लगता है। अब इसे सीखने के बाद और कॉन्फिडेंस आ गया है। ये लड़कियों के लिए अच्छा है। ये हम कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कोई अब परेशानी नहीं है। पूरी टीम बहुत अच्छी है, मतलब जीत के आई है। फिलहाल तो हमारा गोल WKF का है, WKF में मेडल निकालना है। गर्ल्स को, गर्ल्स की टीम तैयार की जा रही है और मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँ गर्ल्स को कि हम लोग 1 हफ्ते का कैंप चला रहे हैं, फ्री कैंप है। मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप आकर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो हो रहा है उस हिसाब से हमें सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है गर्ल्स को। तो मैं एक्सट्रीम कराटे से हूँ, मैं एक्सट्रीम कराटे स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से मथुरा में। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा आप आएँ और सीखें सेल्फ डिफेंस को।